अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फिलो टैक्सी और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। तो पहले हम फिलो टैक्सी को डिफाइन करते हैं। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फिलो टैक्सी। देखो, जो लीव्स होते हैं वो या स्टेम के नोड से अराइज हो जाते हैं या ब्रांच के नोड से अराइज हो जाते हैं। तो लीव्स का स्टेम पर या ब्रांच पर जो अरेंजमेंट होता है इसको हम कहते हैं फिलोटैक्सी। और फिलोटैक्सी की इंपॉर्टेंस यह है कि ये ओवरक्राउडिंग ऑफ लीव्स जो है उसको अवॉइड करती है, उसको रिड्यूस करती है, जिसके नतीजे में हर लीव जो है वो सफिशियंट सनलाइट को रिसीव करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिलोटैक्सी There are three types of leaves. First जो है वो है alternator, second है opposite, और third one है word. तो पहले हम define करते हैं alternate को। तो इसको हम किस तरह define करेंगे? When a single leaf arises from each node, यानी one from right and one from left side is called alternator. देखो, in case of alternator ये याद रखे हर नोड से सिंगल लीव जो है वो अराइज होती है, और एक नोड से लीव जो है वो राइट साइड पे अराइज हो जाती है, और दूसरे नोड से पीर लीव जो है वो लेफ्ट साइड पे, और तीसरे से पीर राइट पे, और चौथे से पीर लेफ्ट पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस नोड से सिंगल लीव जो है वो अराइज हुई है राइट साइड पे, और इस नोड से ये पीर सिंगल लीव जो अराइज हुई है लेफ्ट साइड पे, ये पीर राइट साइड पे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट। यानी कि अल्टरनेट में हर नोड से सिंगल लीव जो अराइज होगी। सेकंड जो टाइप है वो है अपोजिट। तो अपोजिट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? वेन टू लीव्स अराइव फ्रॉम अ सिंगल नोड अपोजिट टू वन अनदर। इस केस में हर नोड से टू लीव्स जो है वो अराइज होंगे, और शर्त यह है कि वो टू लीव्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर इस नोड से टू लीव्स जो है वो अराइज हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह इस नोड से टू लीव जो है वो अराइज हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, और ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। या ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस नोड से टू लीव जो अराइज हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह इस नोड से भी टू लीव जो अराइज हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह ये भी और ये भी। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं अपोजिट। लेकिन अपोजिट जो है इसके टू टाइप है, यानी कि ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं अपोजिट एंड सुपरपोज्ड, और दूसरे को हम कहते हैं अपोजिट एंड डिकोसेट। तो पहले हम अपोजिट एंड सुपरपोज्ड को लेते हैं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये टू लीव्स एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, ये टू लीव्स एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, लेकिन ये टू लीव्स जो है ये टू ये इसके साथ पैरेलल है, जीरो एंगल पर है, और ये टू जो है ये इसके साथ पैरेलल है, जीरो एंगल पर है, और ये टू जो है ये फिर इसके साथ पैरेलल है, जीरो एंगल पर है, और ये टू जो है ये फिर इसके साथ पैरेलल है, जीरो एंगल पर है। तो इस तरह को फिर हम कहते हैं अपोजिट एंड सुपरपोज्ड। और अपोजिट एंड डिकोसेट किस तरह होता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ये टू लीव्स जो है ये एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, ये टू लीव्स जो है ये एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, लेकिन इस केस में ये टू लीव्स जो है ये इसके साथ, यानी इस टू लीव्स के साथ 90 एंगल पर है, पैरेलल नहीं है, और इस तरह ये टू जो है ये टू लीव्स ये इसके साथ 90 एंगल पर है, और ये टू जो है ये फिर इसके साथ 90 एंगल पर है, और ये टू जो है
ये पीरा इसके साथ 90 एंगल पर है। तो इस तरह अरेंजमेंट को पीरा हम कहते हैं अपोजिट एंड डिकोसेट। यानी इस केस में सबके सब लीव जो होंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, और इसमें इस केस में 90 एंगल पर होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। लास्ट जो टाइप है वो है वर्ल्ड लीव। तो वर्ल्ड लीव को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, व्हेन मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड फॉर्मिंग अ सर्कल इज कॉल्ड वर्ल्ड। इस केस में याद रखे हर नोड से दो से ज्यादा लीव्स जो है वो अराइज होंगे, लेकिन वो एक सर्कल बनाएंगे। हमारे यहाँ मुझे कोई ऐसा प्लांट नहीं मिला जिसमें ये लीव्स हो, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं ये नोड जो है इससे 1 2 3 4 5 6 लीव जो ये अराइज हुए हैं और इसने क्या बना है, सर्कल बना है। इस नोड से भी 1 2 3 4 5 6 लीव जो है वो अराइज हुए हैं और इसने सर्कल बनाया है। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं वर्ल्ड। और इसकी जो एग्जांपल है वो ओलियंडर है, ओलियंडर। तो ये थी फिलोटेक्सी और साथ साथ इसके टाइप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।